बंद गीत तेरे बस की नहीं है, बड़ा पुराना भजन। देखो बोल रही है गोपियां, मन दस बीस नहीं है, एक मन था वो चला गया, और उधो योग से अच्छा हमें वियोग लगता है। उनकी याद में रोना है, तुम क्या समझते हो प्रेम क्या है? हम चाहे तो उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, मथुरा कोई दूर नहीं है, लेकिन कहीं हमारे जाने से उनकी स्वतंत्रता में व्यवधान ना आए, इसलिए हम सब यहां बैठ करके रो लेती हैं, अपना अपना दुख साझा करती हैं। हमारे कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, हमें तो ये वियोग भी अच्छा लग रहा है कि हम कृष्ण के लिए रो रहे हैं। उद्धव आश्चर्य में पड़ गए, उद्धव के पास इन अनपढ़, उद्धव को ऐसा ऐसी भगवान की लीलाएं सुना रहे, रासलीला के बारे में बताया, सब कुछ बताया कि उद्धव अपने आप को भूल गए। और क्या कह रही हैं गोपियां, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। Thank you.
फसल में मस्ती पे डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। गोविंद आपके सामने बैठ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी बोल दीजिए भाव से, मन से। गोपाल मेरो है,
जयकारा लगाएंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। रोहित आया है, बड़ा स्वागत किया, बैठाया, बोला पंडित जी के पैर धुलाओ, सारे भोग खिलाए। बोला महाराज, ब्राह्मण ने वो पत्थर दे दिए, महाराज ऐसे ऐसे आया हूँ, ये पत्थर भेजा है देवी रुक्मणी ने। तो पहला श्लोक ये है कि हे भुवन सुंदर, जहां तक मैंने सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, सुना है आप सब लोगों में सबसे सुंदर हो। ये भुवन सुंदर, आप सुंदर तो हो, लेकिन आपके गुणों को उससे भी ज्यादा सुंदर बताया है ये द्वारकाधीश। मेरा नाम रुक्मणी है, मेरे चार भाई हैं, ऐसा ऐसा है वैसा है, जबरदस्ती मेरे भाई ने बाक दान कर दी है, वो मुझे बोल रहे हैं स्वयंवर में हावला, अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो, आपको मुझे बचाना ही पड़ेगा, या तो आप आइए, अगर आप आ गए मुझे ले गए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं उस दुष्ट पापी शिशुपाल के साथ कदापि विवाह नहीं कर सकती। मैंने आपके बारे में अपने पिता की सभा में आने जाने वालों से सदा सुना है, आप पत्नी मुझे कैसा समझेंगे, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं आपकी दासी बनकर के रहूंगी, जैसे भी आप रखेंगे वैसे रहूंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने वो पूरा पत्र पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा। सुदेव कहने लगे, महाराज अब चलने का मुझे आदेश देने, क्योंकि वहां तो स्वयंवर है, मैं जा सकता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे, रुको इकट्ठे चलते हैं। बोलिए शिवांग के भी हरिलाल की। बोला महाराज, हे प्रभु क्या आप भी जाएंगे? बोला अगर मैं जाऊंगा तभी तो बचा पाऊंगा। प्रिय बताइए भाई, मिलने का स्थान कहाँ है, कुछ बताया है? सुदेव कहने लगे, पूर्वे धुरस्ती महती कुलजे भी यात्रा। क्या कहा गया, कितना अच्छा। ब्राह्मण ने बोला महाराज यहां का जो ब्याह कराएं तो पहले कुलजे देवी का पूजा कराएं। ब्राह्मण ही मिलाने वाले हैं। पूर्व धुरस्ती महती कुलजा देवी यात्रा, यस्याम वहीन वन गिरिजाम पेधात। महाराज कुलजा देवी का जो मंदिर है वहां आएगी रुक्मिणी देवी कुलजा पूजा करने के लिए, वहां पर अवसर रहेगा, आप उनको ला सकते हैं, कोई बात नहीं। पंडित जी के साथ चल दिया। बलराम जी ने अपनी नारायणी सेना भी तैयार रखी, पीछे से कुंडिनपुर जाना था, विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर। भगवान अपने ससुराल पक्ष के ब्राह्मण के साथ पहुंच गए और पंडित जी ले गए उस मंदिर में जहां आना था रुक्मिणी देवी ने, और महाराज मंदिर के पीछे भगवान छिप गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा भैया, ब्याह लगने वाला है, शादी होने वाली है भगवान की, अब पीछे छिप गए। थोड़ी देर में रुक्मिणी देवी आई, किसी की नजर न लगे। रुक्मिणी देवी अत्यंत सुंदर लक्ष्मी स्वरूप है। कहते हैं रुक्मिणी देवी की सुरक्षा के लिए 10,000 सैनिक भी साथ ही थे, 5,000 स्तर, 5,000 स्तर, कोई गड़बड़ ना हो। इतने सारे सैनिक बाहर मंदिर के खड़े हो गए, रुक्मिणी देवी मंदिर के अंदर गई तो सामने कात्यायनी देवी का मंदिर है। तो जैसे मूर्ति की तरफ देखा, मूर्ति कात्यायनी देवी की है, लेकिन दिखाई कौन दी है? भगवान कृष्ण मूर्ति में दिखाई दी है।
जय 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 गिरीवर राज किशोरी। बोलिए विंध्यावासिनी जगदम्बा महामाया की। जय 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 गिरीवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सड़ानन माता। सभी बोलो जय गजवदन सड़ानन माता। जगत जननी दामनी सुत गाता। जगत जननी दामनी सुत गाता। नहीं तब आदि भक्ति अवसाना। नहीं तब अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मूर्ति में कात्यायनी देवी के इतने में मूर्ति से माला गिरी। माला जो गिरी वो माला को रुक्मिणी देवी ने अपनी थाली में रख लिया। और उधर से मंदिर के पिछले हिस्से से भगवान बाहर निकल के आ गए। 10,000 सैनिकों के बीच से रास्ता मांगने लगे, हटो हटो हटो। और सैनिक देखने लगे, कोई तो भगवान के पीताम्बर को देख रहा है, कोई मोर मुकुट को देख रहा है, कोई उनके काजल को देख रहा है, कोई कुंडलों को देख रहा है। आप उसमें ये बोले कौन है? अरे कोई भी है, लेकिन देखो ना कितने सुंदर है। भगवान ने फुर्सत में बनाया है इनको। रास्ता सभी दे रहे हैं अपने आप ही। 10,000 सैनिकों ने रास्ता दे दिया, अंदर गए। रुक्मणी देवी ने देखा, रुक्मणी देवी ने जो हार मैया ने दिया था वो हार पहना दिया गले में भगवान के। राधे राधे। अब भगवान कहने लगे चलो देवी फिर लो जी। रुक्मणी देवी को गोद में लिया है, उठा के ले जाने भी लगे, फिर भी सैनिक भूल गए हैं। देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, हमारी रुक्मणी भी तो कम नहीं है, जोड़ी बड़ी अच्छी है। 10,000 सैनिक रास्ता दे देते हैं, रुक्मणी को ले जाने देते हैं, ले जाओ ले जाओ। कोई कपड़ों की प्रशंसा कर रहा है, कोई मुरली को देख रहा है, कोई रुक्मणी को देख रहा है, कोई काना। देखते देखते भगवान जी ने रुक्मणी को अपने रथ पर बैठाया। रथ चल पड़ा, रथ आगे निकला। जब रात वो जलाया, वो जल हो गया भैया, तब सैनिक इधर उधर देखने लगे। बोला कहां चले गए, कहां चले गए? वो कितने सुंदर थे, भुवन सुंदर। बोला ये तो ये क्या? बोला कैसी पूजा? वो ले गया रुक्मणी को भी। बोला है अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, अब तो महाराज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक ने बोला मैंने तो देखा ले जाते हुए। बोला जब देखा तो बताया क्यों नहीं हमें? बोला भैया जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, हमारी रुक्मिणी के लिए ऐसा ही बार चाहिए था। मैंने बोला इनको भागने देते हैं, थोड़ी देर अभी बाद में पकड़ लेंगे। बोला चलो चलो पकड़ते पकड़ते। अब वो 10,000 सैनिक दौड़े, लेकिन भैया भगवान के आगे उधर से नारायणी सेना तैयार थी, बलराम जी सेना लेकर तैयार। सभी सैनिक जो है वो भाग गए। रुक्मी को भी बंधन में डाला भगवान, रथ में बिठा करके ले जाने लगे। कपड़े फाड़ दिए, दाढ़ी वो तलवार से मूंछों को काट दिया है, जीवित छोड़ा क्योंकि साला है, बड़े साले हैं, रुक्मिणी देवी के भाई है, छोड़ा। लेकिन ये अपमान किया। अब देखो रुक्मिणी देवी को लेके आए, रुक्मी बड़े लज्जित हुए हैं। ये तो मृत्यु से भी ज्यादा दर्द था, कसम खाई थी भरी सभा में, या तो रुक्मिणी को वापिस लाऊंगा या अपना मुंह वापिस नहीं दिखाऊंगा।
रुक्मी वापिस कुंडलपुर नहीं गए, और जगह जा करके कोई और राज्य बसाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भाई भगवान ले आए रुक्मणी देवी को, साक्षात लक्ष्मी जी को घर पर। हार पड़ गया है, अब तो भैया विवाह होना है, रुक्मणी देवी को अपनी धर्म पत्नी बनाना है। तो रुक्मणी देवी का श्रृंगार होने लगा, रुक्मणी देवी का श्रृंगार हो रहा है। सभी ने रुक्मणी देवी के श्रृंगार में शामिल होना है। किसी ने मेहंदी लगानी है, किसी ने बिंदिया लगानी है। कौन कौन शामिल होगा भाई विवाह में, बोलिए। आजकल हमारा ये कार्यक्रम एच टुडे चैनल के ऊपर प्रतिदिन आता है, सुबह भी शाम भी 9 बजे से 10 बजे तक, और एच टुडे चैनल के यूट्यूब पर भी हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो अब भगवान का विवाह हो रहा है, आपको हजारों की संख्या में देखेंगे भगजन, क्या देखेंगे। भगवान का विवाह मनाया, लेकिन बस ना किसी ने ताली बजाई, ना बिंदिया लगाई, झूमना है जैसे मानो आपके घर में किसी की शादी लगी है ना, कैसे झूमते हैं ना, वैसे झूमना है मस्त होकर के। भगवान जी है कवार, सोचो कि हम ही तो धन बन रहे हैं, भगवान सज धज करके आ रहे हैं दूल्हे के रूप में। ना जी अगर प्यार परम भगवान कहते हैं सबके पति हैं, उनकी दुल्हन बनिए थोड़ी देर के लिए। आओ रे सखी मुझे दुल्हन बना दो, आओ रे सखी मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, सखी मुझे मेहंदी लगा दो,
दियो मुझे बहन बना दो। मंगलाय स्तनो हरि। अब एक संकीर्तन होगा भैया, जिसने ना भगवान के विवाह में शामिल होना है, नाचना है, भगवान को बधाई देनी है, वो थोड़ी देर घूम सकते हैं। उससे पहले देखो, और जो केले का प्रसाद है वो भी किसी गुप्त दानी सज्जन की तरफ से दिया जा रहा है। सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद। और पंजाब से, धर्मशाला से, सुजानपुर तो फिर भी आए हैं, तो पहुंचना भी होगा। होली में रचना नच लैन दे मैनू, नच लैन दे, नच लैन दे मैनू, नच लैन दे।
Yeah.
अपने शाबाश दी जो गण बन के अपने शाबाश दी जो गण बन के ओ पैरा दे विच गुजरो अपने शाबाश दी जो गण बन के ओ मेरा गाऊआ मेरा गाऊआ बनाया रे वृंदावन बिच जाऊं मैं भी वृंदावन बिच जाऊं मैं भी दर्शन शाम दा पाऊं मैं भी ओ मेरा हारा वाला यार अज मैनू नचण दे बस गया मां के बिहारी कृष्ण मुरारी मेरा मुरली बाला यार अज मैनू नचण दे नचण शाम तेरे नाल अज मैनू नचण दे नचण शाम तेरे नाल नच लैण दे